Hello students, Ashar Adil from Gateway School with chapter 2 of class 7th book Honeycomb. Well, the chapter is A Gift of Chappals. This is very long story. So we are going to make two parts of this story. So this video is the first part of the video. First of all, Gift of Chappals. Chappal ka tohfa. Now let's look at the characters which are there in the story. There are many characters. Mridu and her grandmother, which she calls Tapi. Mridu ko Tapi jo hai, wo kehti hai, chalo tumhare aunt ke yahan le jaate hain. Mridu ki aunt ka naam hai Rukumani, aur ye sab Rukumani ke bacche hain. Ravi beta hai, Lali aur Meena beti hai. To Mridu, लली, रवि, मीना ये कजिन्स होंगे। पाती है ये इन तीनों की दादी। महेंद्रन क्या है आएंगे उस पर। महाबलीपुरम ये जगह है और महेंद्रन ये कैट का नाम है। पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। स्टोरी जो शुरू होती है कहाँ से, मृदु अपने दादी के साथ वो आती है इनके घर, तो गेट पर है, गेट ओपन होता है, ये लोग एकदम हाथ पकड़ लेते हैं मृदु का, चलो। तो मृदु कहती है रुको रुको चप्पल तो निकालने दो। जब वो चप्पल निकालती है तो वहाँ पर एक ऑलरेडी बहुत बड़ा चप्पल देखती है, बड़ा साइज का चप्पल है, दो अंगूठी का निशान है। लेकिन वो कुछ सोच पाती कि रवि उसको खींच कर ले जाता है मृदु को, चलो एक चीज़ दिखाते हैं। तो वो बैकयार्ड में जाते हैं घर के और वहाँ फुटबॉल का टूटा फूटा हुआ है, फुटबॉल समझो फटा हुआ है, उसमें बालू है, उसमें स्टफ है और उसमें एक बिल्ली बैठी होती है और हाफ कोकोनट में उसके लिए दूध रखा होता है। तो यही दिखाने आता है रवि मृदु। मृदु कुछ बोल पाई है शुरू रहता है, रवि बोलता है कि कल मिला मुझे गेट पर ही, और रवि ये भी बोलता है कि लोग कैसे हैं घर के, बोलते हैं कि पेट के साथ अच्छा से बिहेव करो, एनिमल को स्ट्रे देखो तो उसको हेल्प करो, लेकिन जब पेट लाओ तो ये लोग हल्ला करते हैं। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि पाती जो है उनको पेट से ज़्यादा लाइकनेस नहीं था, वो अगर पता चलता कि बिल्ली है घर में तो वो कहीं और चली जाती, ये लोगों का मानना था, बच्चे लोगों का। रवि ने नाम भी दे दिया, बोला कि इसका नाम है महेंद्रम, पूरा नाम तो मैंने बताया महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई, लेकिन महेंद्रन शॉर्ट में कहता है। अब जो रवि जो लेता है महेंद्रन के बारे में बताने, पता है महेंद्रन कौन है, देखो ज़रा इसके गर्दन पे शेर की तरह है, पता है ये जो पल्लव लोग जो थे उनका एम्बलम था लायन, उन लोगों का सिंबल लायन था, मुझे तो लगता है कि उसी लायन का ये डिसेंडेंट है, मतलब उसी का वो जो लायन है इस कैट का पूर्वज रहा होगा। अब ये बोल रहा है, फिर कहता है मृदु तुम कभी महाबलीपुरम गई हो, वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू है ना, उसी का ये पोता पर पोता है। फिर अपने में कहता है ये रवि के जो बिल्ली है उसकी तो पूजा होती है इजिप्ट में, होती थी, वही का ये है बताओ। अब एक तरफ कह रहा है कि इसका भी है और एक इजिप्ट से ही आ गया, तो फिर कहानी बनाता है कि पता है इजिप्ट का जो एक कैट था, जो गॉड या गॉडेस, वो एक मरतबा पल्लव के शिप में छुप गया और यहाँ चला आया, वही है, तो दोनों सेम है। अब यह खूब कहता है कि महेंद्रन जो है वो एक बहुत ही स्पेशल ब्रीड है, गॉडली स्पार्क है, इसमें इसकी पूजा होती थी, तो अपने ये कैट का बहुत बड़ाई चढ़ाई करता है। कैट क्या, एक छोटा सा किटी है, बेबी कैट। अब ये लोग इतना बात करते ही रहते हैं वो बैकयार्ड में कैट के सामने, ये रवि, मीना और मृदु, कि अचानक कोई चीज़ की आवाज़ आती है, स्क्रीच, मतलब कोई बहुत ही अनप्लेजेंट हार्श श्रील आवाज़ आती है, सब घबरा जाते हैं और सब कहते क्या हो गया, स्पेशली मृदु तो एकदम हक्का बक्का हो जाती है। और वो जो कैट होता है वो वहाँ पर चिल्ली सूख रहा होता है ट्रे में, बम्बू ट्रे में, उसको वो अपने ऊपर जंप करके उसके ऊपर आ जाता है। मृदु कहती है ये क्या है, तो ये लोग कहते हैं अरे क्या है,
लाली जो है ना, लाली आजकल बजाना सीख रही है म्यूजिक, तो उसी के वायलिन और गिटार और सारंगी की आवाज़, वो जो सीख रही है उसी की आवाज़, इतनी अनप्लेजेंट हार्श, इतनी ज़्यादा श्रील आवाज़ थी। सभी लोग ना देखने को चलते हैं कि क्या हो रहा है। जब देखते हैं तो विंडो जो है उससे नज़र आने लगता है जो उसके टीचर हैं लाली के, और वो दोनों बैठे रहते हैं। ये सेक्शन वन है। सेक्शन टू हम लोग देखेंगे। ये सेक्शन वन रहा, इसको आप एक दो मरतबा वीडियो को सुनिए, कैरेक्टर्स से फेमिलियर हो जाओ तो फिर इजिली समझ में आ जाएगा। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।